देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मालगाड़ी टर्मिनल पर रात के तकरीबन 2:45 बजे अचानक ही मुझे मेरी पुरानी साइट से हटाकर वहीं पर एक दूसरी साइट पर भेज दिया गया, जहां मेरी मुलाकात बल्लभ भाई से हुई, जो वहां के बड़े ही पुराने और रोबीले लोडरों में से एक थे। वैसे तो मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई थी, मगर मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। जैसे ही उनकी नज़र मेरे दुबले पतले शरीर पर पड़ी तो वो हंसते हुए बोले, क्यों बे डेढ़ पसली के, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो इस पर मैं थोड़ी नरम आवाज़ में बोला, वो मेरी ड्यूटी बदलकर अब यहाँ पर लगा दी है। इस पर वो बोले, अच्छा मतलब अब तेरी बारी है। उसके कहने के हाव भाव से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो वहाँ पर कोई काम भी करता होगा। ऊपर से उसका लंबा चौड़ा शरीर देखकर मेरी भी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ कह दूं। इससे पहले मैं उससे काम की बात करता कि वो एक और इशारा करते हुए बोला, तो वो कंटेनर देख रहा है? जब मैं उससे उस कंटेनर की तरफ देखते हुए बोला, हाँ वो वाला ना। इस पर वो बोला, हाँ जा उसे अनलॉक करके उसे स्कैनिंग के लिए तैयार कर। उस वक्त तो मैं उससे कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं उससे उलझना नहीं चाहता था, मगर मैं मन ही मन ये सोच रहा था, जो कंटेनर सालों से खोला नहीं गया तो आज अचानक उस कंटेनर को खोलने की परमिशन कहाँ से मिल गई। मैं ये सोचते हुए कंटेनर 666 के पास पहुँचा। ये पहली ही बार था कि मैं उस कंटेनर के इतने पास था। हाँ, मैंने इस कंटेनर के बारे में बाकी लोडरों से सुना जरूर था कि ये बहुत ही खतरनाक कंटेनर है। इसके अंदर क्या है किसी को भी बिल्कुल भी नहीं पता। आखिरकार इस कंटेनर को 3 साल पहले खोलने को कहा गया और जिसकी जिम्मेदारी सुरेंद्र को दी गई थी। जब रात के 3 बजे सुरेंद्र 2 और लोगों के साथ ये कंटेनर खोलने ही पहुंचा, तो कंटेनर के खोलते ही उन तीनों की छाती किसी गुब्बारे की तरह फूल गई और सिर पूरा हरा रंग का हो गया। उसके बाद उन तीनों ने अपने आप को उस कंटेनर के अंदर बंद कर लिया। फिर जब सुबह हुई तो ये बात जगन्नाथ ने अपने बड़े साहब को बताई, क्योंकि जगन्नाथ उस रात वहीं पर बगल वाले कंटेनर की अनलोडिंग में लगा हुआ था। ये सब सुनने के बाद जगन्नाथ के साहब ने जगन्नाथ से कहा कि ये बात वो किसी को ना कहे, नहीं तो बेमतलब का डर वर्करों में बैठ जाएगा। जगन्नाथ ने तो अपना मुंह बंद कर लिया और वहां से छुट्टी ले ली, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो वहां पर दोबारा काम करे। मगर उस हादसे के बाद से रात के वक्त इस कंटेनर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। जो भी उस कंटेनर से आती आवाज पर ध्यान देता तो उसके कानों से खून निकलने लगता, जिस वजह से जल्दी ही ये बात पूरे मालगाड़ी टर्मिनल पर आग की तरह फैल गई, जिस वजह से वर्करों ने नाइट शिफ्ट में काम करने से मना कर दिया, जिसके चलते टर्मिनल प्रशासन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ गया। आखिरकार टर्मिनल प्रशासन ने दूर से किसी पैरानॉर्मलिस्ट एक्सपर्ट को बुलाया और उसके विजिट करने के बाद से कंटेनर 666 से आवाजानी बंद हो गई और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। वक्त के साथ साथ टर्मिनल पर काम करने वाला अब नया स्टाफ आ गया था, मगर कुछ पुराने वर्कर अभी भी थे जो इस हादसे के बारे में जानते थे। तो दोस्तों, बल्लभ भाई के कहने पर रितेश वो हॉन्टेड कंटेनर खोलेगा और आगे क्या होने वाला है उसके साथ, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।